हे गाइस, वेलकम टू सुनी अनसुनी कहानियाँ और मेरे सभी लिसनर्स को मेरा प्यार भरा हाय। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी तेरे नाम मूवी के कुछ रियल फैक्ट्स। जो तेरे नाम मूवी है, उनके जो राइटर थे उसका नाम था बाला, और ये स्टोरी जो है बाला के फ्रेंड से रिलेटेड है। ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। जो बाला का फ्रेंड था, उसको प्यार हो गया था किसी के साथ, और किसी कारणों के करके, किसी रीजन से उसका जो माइंड था वो मेंटली अनस्टेबल हो गया, और इस कहानी का जो एंड था वो मेंटल असाइलम में ही हुआ। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने, जो रियल लाइफ से रिलेटेड उन्होंने मूवी बनाई तेरे नाम। जो तेरे नाम मूवी है वो एक रीमेक है वैसे एक तमिल लैंग्वेज फिल्म की, जिसका नाम था सेतु, जो 1999 में आई थी। सेतु का और भी रीमेक बनने हैं कन्नड़ लैंग्वेज में भी, जिसका नाम था हुच्चा, तेलुगु लैंग्वेज में उसका नाम था शेषा, और हिंदी में जब उसका रीमेक बना उसका नाम था तेरे नाम। जो जितने भी उस मूवी के रीमेक्स हैं वो बहुत ही अच्छा उन्होंने बॉक्स ऑफिस में कमाल दिखाया। जो इस मूवी की बुकिंग है 2003 में जब ये मूवी रिलीज हुई तेरे नाम, इसकी जो बुकिंग्स हैं वो पिछले 5 सालों का भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत ही ज़्यादा बुकिंग्स होगी इस मूवी की। फर्स्ट शो के लिए लाखों की तादाद पर जो लोग थे वो फर्स्ट शो देखने के लिए फिल्म थिएटर के बाहर आ गए थे। जो तेरे नाम मूवी है सलमान खान की मेजर हिट रही है, हम साथ साथ है के बाद उसकी मेजर हिट थी सलमान खान की। जो डेजी शाह है वो इसी मूवी में ओ जाना सॉन्ग में और लगन लगी सॉन्ग में वो बैकग्राउंड डांसर थी। और एक फैक्ट ये भी है, जो अजय देवगन है उनको भी कंसीडर किया गया था इस रोल के लिए। सबसे पहले किया गया था संजय कपूर को, जब उन्होंने किसी कारण के करके जब ये रोल छोड़ दिया उन्होंने, तो अजय देवगन को कंसीडर किया गया था। लेकिन उसके बाद इवेंचुअली ये रोल जो है सलमान खान के हाथ में आया और उन्होंने इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेस्ट दी। जो तेरे नाम है मूवी है उसके लिए सलमान खान ने सच में अपने जो सिर है वो शेव किया था, क्योंकि उनको वैसे भी उनको हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए अपने जो सिर है उसको गंजा करवाना ही था, तो उन्होंने सच में ही सिर गंजा करवा दिया। और मूवी में भी उस करेक्टर के लिए ये चीज़ें जो थी ज़रूरी थी। और इस मूवी के लिए 24 अवार्ड्स फंक्शन में नॉमिनेशंस मिले इसको, जिसमें से उन्होंने 7 अवार्ड्स जो हैं वो जीते हैं, और 8 जो अवार्ड्स हैं वो उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेशंस में आए थे। ये सलमान खान की परफॉर्मेंस जो थी इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस मानी गई, और उसको बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने में ऑडियंस ने बहुत अप्रिशिएट किया इसकी इस परफॉर्मेंस को, उनके रोल को और हर चीज़ को इस मूवी के बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन मिली। तो गाइस, कैसा लगा आपको तेरे नाम मूवी के रियल फैक्ट्स जान के, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सब व्यूवर्स के और लिसनर्स के कारण ही एक यूट्यूबर का चैनल जो है वो ग्रो करता है। प्लीज़ आप सबकी सपोर्ट की और ब्लेसिंग्स की मुझे बहुत ज़रूरत है। तब तक के लिए स्प्रेड लव।